Yo, what's up everybody, it's your gamer boy here and welcome back to our SMP. तो SMP में अभी पूरी भाई मैं क्या बताऊँ यार. तो गाइज अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, SMP की एक भी वीडियो अगर आई ना आप मुझे बताना भाई. SMP की अभी तक मैं सच बता रहा हूँ, SMP की एक भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. SMP सच पक्का वाला सच है गाइज, ठीक है. तो SMP की एक भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की एंड मेरा पता नहीं फ्रेम रेट क्यों ड्रॉप हो रहा है. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई SMP में अभी फुल मतलब क्या बताओ यार, वार वाला मूड चल रहा है. बिकॉज आज क्या वो पता है, आज सोना गाया था लाइव, ठीक है. आज सोना गाया था लाइव में, उसने मेरी भाई लाइव बेइज्जती कर दी. मतलब उसको SMP पूरा चाहिए. तो आज मैंने ये ठान लिया है, मतलब हाँ आज मैं उसका घर फोड़ दूंगा भाई. कैसा नहीं होता, ठीक है. अगर वो वार चाहता तो हम क्यों पीछे हटे. मेरे पास इतना सारा सामान है, मैं क्यों हटूंगा पीछे, ठीक है गाइज. तो अभी ये चीज़ समझ लो. तो अभी मैं जा रहा हूँ सोना का घर फोड़ने के लिए, बिकॉज मुझे आ चुका है बहुत गलत वाला गुस्सा भाई. यार ये गलत बात होती है, SMP उसको पूरी चाहिए, उसके साथ टावर भी चाहिए भाई. ये टावर ले ले, लेकिन भाई पूरा SMP उसके हवाले में कैसे कर सकता. तो इसीलिए भाई सॉरी, लेकिन हाँ मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है. तो भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता. तो पहले इसका जाएगा ये जो पता नहीं क्या बना के रखा इसने. एंड गाइस टेंशन मत करो भाई, हाँ वापस बना लेंगे. हाँ ठीक है, टेंशन मत करो गाइस. मतलब हाँ बनाना था. अगर सब लोग वार चाहते हैं तो भाई हम लोग क्यों पीछे हटे. अगर सब लोग को वार चाहिए तो हाँ भाई ठीक है, हाँ वार करनी है, चलो वार करते हैं भाई. सब लोग को अगर वार ही चाहिए तो हाँ चलो भाई. हमने किसने मना करके रखा है वार करने के लिए. मैंने तो बोला ही ना वार करने के लिए भाई. तो इसीलिए गाइज आज मैं इसका घर फोड़ने वाला हूँ एंड आज मैं ये मेरा बदला लेने वाला हूँ जो इसने लाइव बेइज्जती की है ना. तो उसका हाँ उसका हम मैं बदला लेने वाला हूँ, ठीक है. तो अभी मैं जाने वाला, अभी मैं इसका घर फोड़ता हूँ. तो इसका घर मैं पूरा घर तोड़ने के लिए, तो हाँ तो ये सॉरी मुझे करना पड़ रहा है सोनक, लेकिन हाँ मैं कर रहा हूँ. इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज तूने मेरी भाई परेशान कर लो भाई स्ट्रीम पे, मतलब भाई ओ सॉरी रिकॉर्डिंग पे परेशान कर लो यार. ये गाइस मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मतलब मैं अभी अभी की बात नहीं है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है. अभी मैं इसको डोंट डिस्टर्ब मोड में कर रही हूँ भाई, वरना कॉल आती ही देगा वरना समझ जाओ भैया, कॉल आते ही देगा वरना, ठीक है. तो अभी मैं हाँ मेरा गेम थोड़ा अटक गया था. हाँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पूरा घर है ना, इसको मुझे फोड़ना पड़ेगा सोनक, सॉरी. लेकिन हाँ ये मेरा रिवेंज है, अगर तेरे पे दम है तो हाँ SMP में फाइट कर, वार करना चाहता है ना. हाँ मैं भी वही चाहता हूँ, तू वार करना चाहता है ना. मेरे पास इतने वेपन्स है ना, तेरा पूरा घर जो है ना एक एक उंगली के खिलाफ, मतलब पूरा घर एक ही बार में कट जाएगा. मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन हाँ मुझे करना पड़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता. तो तबाही मचने वाली है, तो गाइज हट जाओ. पूरा घर गया. कुछ इधर का टूटा क्या, मेरा टावर टूट गया क्या भाई. जो भी हो अगर टावर टूटा भी है तो कोई टेंशन नहीं भाई, टूट जा टावर कोई टेंशन नहीं. पूरा गाइस का घर गया. अभी बारी है इसकी. तो ज़्यादा ही चोरे बन रहे हो ना वो ने. ज़्यादा ही चोरे बन रही है भाई, गुंडे बनेंगे गुंडे बनेंगे भाई ये लोग, ठीक है. रुक जो अभी हम खाते ना गुंडा भी कर सकते हैं. SMP में हमसे ही पंगा. मैं आना चाहता था लाइव,
लेकिन मैं लाइव नहीं आ पाया भाई। भाई एक एक यार, ये भाई ज़ॉम्बीज़ तू परेशान कर ले यार बीच पे, मैं इसका घर फोड़ रहा हूँ, ये भाई ये परेशान करने लगे हुए हैं। मैं मुझे इसका ना बैठ चाहिए, मुझे ये रिवेंज लेना है भाई। ओके गाइस लेट्स गो भाई, पूरा घर हो चुका है डिस्ट्रॉय। अब खुशी लग रही है ना, बिकॉज भाई जब वो बंदा बोल रहा था ना भाई मुझे पूरी एसएमपी दे दो भाई, तभी समझ गया था इसका कुछ अलग ही। मैं तुझे ओपन चैलेंज करता हूँ सोनक, ओपन चैलेंज एसएमपी में तुझे दिया जाता है, जिस दिन मैं मेन स्ट्रीम करूँगा उस दिन पक्का गाइस पक्का तगड़ा वाला वार इलेक्शन, उस दिन तो इलेक्शन का लास्ट डे कर दूंगा मैं। एंड तुझे भाई गलत वाला वार करने वाला, देख लो गाइस उस दिन स्ट्रीम पे आ जाना भाई, पूरी खुंदक हो चुकी है मुझे भाई, मैं तब से देख रहा हूँ यही चीज हो रहा है यही। पूरा खत्म, पूरा इसका घर हो चुका है डिस्ट्रॉय। अभी बारी है मुझे इसके डिस्ट्रॉय करने, पूरा भाई पूरा घर नहीं छोड़ूंगा भाई, परेशान करोगे। हाँ भाई रुक जाओ भाई, मेरा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा इधर एक मतलब आ जाएंगे नहीं लोग, रुक जाओ भाई मेरा मैंने एक सीक्रेट बेस बनाया है। थोड़ा लैग हो रहा है, टेंशन मत करो भाई, अपना भाई लैग फिक्स कर देगा यार। तो अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैंने इधर एक सीक्रेट बेस बनाया जो मतलब मैं क्या बताऊँ यार, इतना अच्छा है मेरे लिए, लक के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो अभी मैं इधर TNT लिया, अभी मैं और फिफ्थ मैं 72 TNT लेके पूरा घर खोलूँगा इनका भाई। कुछ ज़्यादा हो रहे हो ना, चोरे बन रहोगे भाई, रुक जो जो इसका पूरा डॉग हाउस गया भाई, साले कमीने हमसे पंगा लोगे भाई SMP में आके, हमसे ही दादागिरी। ये तो फोड़ना बाकी रह गया। हाँ रुक जाओ गाइस एक मिनट, और सब लोग SMP की स्ट्रीम पे आ जाना भाई, तबाही मचने वाली है संडे या सैटरडे पता नहीं, उसी एक दिन में करने वाले। उसके बाद वापस हमको SMP बनानी पड़ेगी, SMP बनाने में कोई टेंशन नहीं है, मैं वापस बंदे बुला के बना लूँगा, लेकिन भाई बदला रिवेंज मेन चीज होता है भाई। ऐसा उसने हिम्मत लाइव बेइज्जती कर दी सोनक ने भाई मेरे साथ, तो लाइव बेइज्जती इसीलिए हो गई, तो हम उसका भी हमें बदला लूँगा। इसने SMP के ओनर के साथ ऐसा किया तो बदला तो उसका गलत वाला मैं लेने वाला हूँ। ये आग के तीर आज पूरा कुछ बच्चा होगा सर से नीचे, बच्चा है, बच गया। अबे अरे कैसे बच्चा है, कैसे अगर बच गया तो देखते भाई, पूरा घर इसका मैं फोड़ने वाला हूँ भाई। भाई पंगे लोगे हमसे, मतलब ऐसा नहीं होता है, उसको टावर अगर वो टावर भी मांग लेता भाई ले ले टावर, टेंशन नहीं है, आराम से टावर ले ले, मैं तुझे दे दूंगा कुछ ही टावर दे दूंगा। लेकिन भाई ये बंदा कुछ अलग ही लेवल में है, उसको टावर भी चाहिए पूरा SMP भी चाहिए उसके साथ उसको मतलब, और अगर उसको SMP मिल गया तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसको SMP दे दे तो रूल के खिलाफ ही है कि SMP का लीडर वही है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, अरे साला कोई बात नहीं भाई, पूरा घर इस काम को डालेंगे, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी इतना सा भी बचना नहीं चाहिए। फार्म इसका फार्म भी ना कुछ जो भाई इसका फार्म है ना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, इसका एक भी चीज़ बचना नहीं चाहिए। एक मिनट मैं एक बार मेरी ये चीज ठीक कर लेता हूँ कि इसका फार्म SMP फटना चाहिए, SMP नहीं फटना चाहिए, अगर फट भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है भाई, रीबिल्ड कर। तो फार्म जो इस
आपने जंग छेड़ी है ना, उसका बदला हम लेते हैं। हम बदले वाले बदले हम ऐसे लेते भाई। काले हमसे पंगा लो। मैम मेरा माइक उधर जा रहा है। हाँ एंड आप लोगों ने कल की स्ट्रीम तो देखी है भाई, कल की स्ट्रीम क्या मस्त चल रहा था। एंड आज इतना गलत काम मुझे करना पड़ा। हाँ भाई तबाही मचने वाले, देखो भाई आगे क्या होता है पूरा। मुझे अभी अभी इसने जंग छेड़ी है ना, तो जंग का बदला मैं ही लूँगा। जंग अगर इस बंदे ने बनाई तो हाँ इसका जंग का वो भी मैं ही शुरू करूँगा एंड मैं ही ख़त्म करूँगा। मैं पोर्टल फोड़ दी क्या? अबे मैंने पोर्टल फोड़ दी क्या? इसका पूरा घर नहीं चाहिए मुझे भाई एसएमपी में इसको। नहीं तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ गाइस, इसको नहीं तो मैं एसएमपी से बाहर निकाल दूंगा। नहीं एसएमपी से बाहर निकाल ले एक भाई वो नहीं बनता, ठीक है एसएमपी से बाहर निकाल ले एक रूल के वो नहीं बनता। तो सीधा एक काम करेंगे एसएमपी से उसको वही कर देंगे। एंड कल की स्ट्रीम में भाई, कल की स्ट्रीम में इतने मस्त से माइनिंग कर रहे थे, इसके घर पे गए थे। मैंने बोला भाई फ्लूड भाई आने वाले हैं वो सब, भाई नहीं बचा यार इसका घर। लेकिन कोई बात नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है, बना लेंगे वापस घर। लेकिन मुझे ऐसे मतलब बदले नहीं चाहिए जो अभी हो रहे हैं। घर गया तो घर कुछ भी नहीं बचना चाहिए ना, एंडर चेस्ट भी नहीं बचना। हेल्थ बहुत मेरी हेल्थ, कोई बात नहीं भाई मेरी हेल्थ जितनी भी कम हो टेंशन नहीं है, आराम से आराम से भाई, कोई बात नहीं। पूरा फोड़ देंगे पूरा घर, नहीं बचना चाहिए कुछ भी नहीं बचना चाहिए कुछ भी। घर का थोड़ा आधा हिस्सा भी नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। ज़ॉम्बीज़ हेलो, इसका मैंने दो पार्ट रिकॉर्ड किया, उसका रीजन और ये कुछ। ओके गाइस लेट्स गो भाई। मैं यार ये भाई घर वाले परेशान करते रहते यार मुझे, क्या बताओ यार। मैं जब मैं रिकॉर्ड करना चाहिए ना मुझे रूम लॉक करके वीडियो बनाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, तबाही मच गई तो मच गई। अभी वीडियो कितने मिनट की? 8 मिनट प्लस आधा वो एंड उसके साथ ये, ठीक है। मैं टेंशन नहीं है, मैंने इसका घर इसीलिए फोड़ा, इसका मेन रीज़न ये है भाई इसने ओपन वो मतलब भाई उसको टावर चाहिए एसएमपी चाहिए। अगर मैं इसका घर नहीं फोड़ता ये कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या बताओ यार, ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाता भाई ये मेरा एसएमपी है तू एसएमपी से वो मतलब जेल में डाल देता अपने मर्जी से चलता। लेकिन नहीं वो मैं नहीं चाहता एसएमपी में, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इधर, घर का इतना सा भी हिस्सा भी नहीं चाहिए इसके घर के इधर, मुझे इतना सा भी हिस्सा नहीं चाहिए भाई। इसने पूरा परेशान किया है ना, अभी पूरा परेशान का यह बदला। सोनक एक चीज़ समझ ले, रुक जा मैं सामान रख के आता हूँ। ये पूरा ओपन चैलेंज है, हाँ ये मेरा पूरा ओपन चैलेंज है। मैं जिस दिन लाइव आऊँगा उस दिन सारे के सारे बंदे खेलेंगे एंड उसी दिन ये चीज़ डिसाइड होगा कि कौन मॉडरेटर है। एंड उस दिन वार भी होने वाली है, तो वार के लिए रेडी हो जा तू भी, तैयारी मेरी तो हो चुकी है, तू भी जल्दी तैयारी करने लग जा बिकॉज हारने तो तू ही वाला है, ठीक है हारने तू ही वाला है। कैमरे के अंदर देख के बोल रहा हूँ हारने तू ही वाला है, तो वार के लिए जल्दी रेडी हो जा, देखते कौन जीतता है भाई। अगर तू जीता तो एसएमपी, अगर मैं जीता तो एसएमपी मेरा, अगर तू जीता तो एसएमपी तेरा भाई, पूरा बदला, ठीक है। चलो एसएमपी जब मैं लाइव आऊँगा सारे मतलब
तू भी उस दिन लाइव आएगा, उस दिन तू भी लाइव आएगा, एक चीज़ समझ ले, ये तेरे वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे। मतलब तूने जो लाइव बेइज्जती की है ना मेरे भाई, मैं क्या बताऊँ यार, बताने के कोई लायक नहीं है। तो इसीलिए ये पूरा खेल ख़त्म करने का, हाँ एंड आ चुका है अभी, SMP को एंड करने का वक्त। अबे नहीं, चड्डी किधर, चड्डी किधर गई मेरी, क्या मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, ये भाई पंगे ले लो ऐसे ही भाई, गुंडे बनोगे, ऐसे कौन गुंडे बनते हैं। अबे मेरा क्या हो गया, पता नहीं गाइस मेरा कुछ हो गया था। हाँ मैंने गलती से पता नहीं कौन सा वाला बटन दबा दिया था, एंड उसकी वजह से मेरा गेम पूरा अटकने लग गया भाई। कोई बात नहीं, कोई एंड गाइस मेरी थोड़ी छेड़छाड़ की है, तो हाँ कुछ हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। H2, अबे H2 तो मुझे मिल ही रहा है ना भाई, क्या कौन सा वाला मुझे मिल रहा है। चलो एंड अभी जब ठीक है, ये पूरा ओपन चैलेंज तुझे जाता है कि तुझे SMP चाहिए ना, हाँ मैं ले ले भाई SMP ले ले, लेकिन एक भाई मेरा, हाँ एक चैलेंज के साथ, एक वार के साथ, सारे जितने भी SMP मेंबर्स हैं सबके साथ मैं वार करने वाला हूँ। तो दम है तो तू भी तैयारी कर ले वार होने के लिए। तो अभी जिस दिन मैं लाइव आऊँगा वो होगा संडे नहीं तो सैटरडे, इन दोनों दिन, नहीं तो इन दोनों दिन, हाँ मैं इन दोनों दिन ही लाइव आने वाला हूँ। मतलब सिर्फ 2 दिन, 2 दिन पूरी तबाही मचने वाली है, तो रेडी हो जा सैटरडे संडे के लिए। तेरी ऐसे कितने पैसे, क्या 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 तुझे पिघले लाई, तेरी जब मना करो क्यों लेने पंगे यार। ये रुक जाओ गाइस 1 मिनट यार, मैं अपना सामान रख के आता हूँ यार। ये अगर अगर गाइस एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर इसने मेरा टावर तोड़ा तो अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ी जंग होने वाली है, बिकॉज मैंने सारी तैयारी तो कर ली है। विदर भी स्पॉन हो सकते हैं इस वार में, ठीक है ये चीज़ समझ लो, इस वार में कुछ भी हो सकता है। विदर TNT एंड 1v3, मतलब ऑल वर्सेस ऑल भी होने वाले हैं, देखते हैं अभी क्या होता है भाई नेक्स्ट। हाँ मुझे मुझे तो वही चाहिए कि सबके साथ एक फाइट हो, एक बंदा हारे उसको समझ में आ जाए कि इसके साथ लड़ना नहीं है, पीस चाहिए SMP में, पीस चाहिए। लेकिन अभी कुछ पीस का वही नहीं है। मैंने SMP जब बनाया था, मतलब जो SMP का नेम था पबजी मोबाइल इंडिया SMP, ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने SMP बनाया था भाई मस्त वाला पीस था। उसके बाद आया माई गोल गेमिंग, भाई माई गोल गेमिंग ने भी बहुत मस्त से खेला, लेकिन भाई लास्ट पे उसने दे दिया धोखा, वो नहीं खेला। तो अगर वो आया दी तो उसको भी जेल में डाला जाएगा, बिकॉज ये SMP के रूल के खिलाफ है। कोई भाई इतने दिन नहीं खेले तो सिंपल सी बात है ना, अगर 2 3 4 दिन नहीं खेले तो चलता है, लेकिन भाई 1 महीना हो चुका है वो नहीं खेलते हुए, ज़्यादा हो गया क्या 1 महीना। मैंने वीडियो कब डाला है, एंड ये वीडियो का जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, डेट तो आपने देख ही लिया होगा, इस डेट के अंदर आज ही मैं वीडियो डालने वाला हूँ। बिकॉज भाई मेरे, मैं क्या बताऊँ यार, अभी मैं GT Sanidas का वीडियो रिकॉर्ड करने के भाई मैं वो नहीं हूँ यार। फिफ्ट आप लोगों ने फिफ्ट 30 70 जो 90 कर दो यार, 90 करने के बाद आ जाएगी वीडियो, क्यों टेंशन ले रहे हो। स्टैटिक्स मैंने कितने मारे भाई, देखो गाइस मेरे डैमेज देखो भाई, ये देखो ये देखो कितना हमने ट्रैवल किया है, देखो भाई। ओ सॉरी भाई यार, यही गलत बात होती है, ठीक है चलो। तो अभी मैं गाइस जा रहा हूँ ऊपर, बिकॉज भाई बिल्कुल गलत सीन हो गया मेरे साथ, मतलब हाँ अगर वार चाहते हैं तो हाँ हम भी वही चाहते हैं, अगर तबाही मचनी है तो विदर 3 4 विदर स्पॉन कर देंगे, पूरे तैयारी करके रखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। लेकिन अगर मैं वीडियो में दिखा दिया तो उसको भी पता चल जाएगा ना कि भाई ये सामान इधर से लाता है, तो इसीलिए मुझे, मैं वीडियो में गाइस नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मैं आपको एक मतलब क्लिप तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता सकता हूँ वो जगह कैसी है। तो सारे TNT विदर स्कल सोल सैंड सारे के सारे आज मैंने पूरी इकट्ठे किए संडे के एंड सटे सट संडे एंड सैटरडे, पूरी तगड़ी वाली फाइट के लिए। पता नहीं संडे संडे या मेन, एक एक ही दिन रखेंगे मेन स्ट्रीम, तीसरे दिन हम SMP को देखेंगे क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, ठीक
मतलब हाँ ऐसा कुछ। अभी तो मैं अपना सामान रख देता हूँ यार, इतना मैं इतना सामान लेके घूम रहा हूँ ऐसे ही, कोई कोई फ़ायदा नहीं इनका। स्टोन कटर ये भी मैं उसके घर से ही लाया था, ये पिस्टल भी उसके घर से ही लाया था। एंड अभी मैं एक चीज़ इसको रख देता हूँ। अबे क्या हो गया, क्या हो गया भाई? एक सेकेंड गाइस रुक जाओ भाई, मैं एक बार चेक कर। अबे इंटरनेट मस्त से चल रहा है? नहीं भाई इंटरनेट का इशू नहीं है, मतलब मैं बताता हूँ ना, जो हम OBS में जब रिकॉर्ड करते हैं ना, सिंपल सी बात है, उसका FPS थोड़ा ड्रॉप होता है, बिकॉज आपने देखा होगा गेमर प्लेट की स्ट्रीम पे। इतना अच्छा PC है लेकिन फिर भी उसका 60 FPS तक आ जाता है जब वो शेडर्स लगाता है, लेकिन वो RTX यूज़ करता ही नहीं, बिकॉज भाई उसके पास RTX ग्राफिक्स कार्ड है। लेकिन हाँ वो बंदा अगर RTX के लिए, तो आपको पता है क्या होगा उसके PC का हाल, तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। ये 7080 हम सेफ ही रख देते हैं। एंड टावर अगर गाइस फटा तो हाँ उसका भी पूरा मैंने करके रखा है प्लान, आपको अभी आपको तो नहीं बता सकता। टावर पे अगर कुछ भी हुआ तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब दिखा तो एक बार दिखा तो टावर अगर फटा, जैसे कि हीरो NSMP में टावर, उज्जवल भाई को अपना टावर प्यार है, तो मुझे भी भाई मेरा टावर सबसे, ये जो हीरो ब्राइन SMP2 का टावर है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये मेरा घर भी है, ठीक है, टावर नहीं है, ये पूरा घर है। एंड पूरा मतलब SMP के ओनर का घर है। तो ये हमारे भाई, मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। यार ये ज़ॉम्बीज परेशान करते हैं ना इसीलिए, वरना मैं तो किट्टू 125। अबे यार ये सो जाओ, ये देखो गाइज हमारा खतरनाक वन स्पॉट आ गया भाई। मैं बोल ही रहा था कि ये देखो गाइज गाइज इसको बोलता हूँ VC ज्वाइन करो। भाई इसके पास माइक नहीं है, हाँ तो ये देखो भाई खतरनाक वन स्पॉट। हेलो हेलो कैसे हो भाई? तो अभी SMP में आ चुका है हमारा खतरनाक वन स्पॉट भाई। हेलो हेलो, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि SMP में आ रुक जो वार उनमें है, हाँ SMP में वार होने वाले, उसको मैंने बोल दिया, मतलब भाई वो भी रेडी रहेगा ना। गिव मी वन हाउस प्लीज भाई, क्या ओ इधर 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 तेरा तेरा मैं घर दे रहा हूँ, इधर 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 ये तेरा घर, ठीक है। इसको तो इसको मैंने बोल दिया दिस इज योर हाउस। एंड अबे मेरी शील्ड किधर है मेरी शील्ड? सामान है शील्ड मैंने रखी ना, शील्ड किधर गई मेरी शील्ड? भाई मेरी शील्ड चली गई यार इसके चक्कर पे, भाई हद होती यार। चलो कोई बात नहीं, अभी चली गई तो चली गई। आई वॉन्ट माई फ्लिंट गेमर हाउस प्लीज भाई। और नो नो भाई नो, उसका वो घर उसका है, सोनक का है भाई। लेकिन अभी सोनक से हमारी बहुत तगड़ी लड़ाई हो चुकी है, तो सोनक का भी हाउस नहीं रहा।
ठीक है, तो ये तेरा घर है एंड अभी तो आराम से अपनी जिंदगी जी ले भाई। इसको पता ही नहीं है, बिकॉज इसको मैंने बोला वीसी पे आ जा। एनोल्ड भाई ने ज्वाइन किया गाइस, सारे के सारे वीडियो में ही ज्वाइन हो रहे भाई। तबाही, इसको कहते हैं भाई तबाही लेवल डिस्ट्रक्शन, तो गलत वाला हुआ है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है यार। बिकॉज मैं चाहता हूँ वार, और वार के साथ उस सोनक को पता चल जाए कि वो मुझसे पावरफुल नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है। कहाँ टीपी कर दिया भाई, क्यों कर दिया टीपी, पागल है क्या? परेशान कर रहे हैं यार ये गल, ये मत करो भाई मेरे साथ भाई, मत करो भाई। ये है चपाती भाई का घर, ठीक है, ये चपाती भाई का घर है। एंड उसने बोला 2 सेकंड रुको, उसको क्रिएटिव चाहिए ना, रुक जा क्रिएटिव, अभी मैं इसको तुझे करता हूँ ना सर्वाइवल। ये गया भाई, गाइस इसको मैंने ऊपर से नीचे गिरा दिया। तो अभी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि सोनक, अभी अगर तू मेरी इस वीडियो को देखेगा एक चीज समझ ले, ठीक है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, एक चीज समझ ले। वार तूने ही की है, वार तूने शुरू की है, खत्म मैं करूंगा। और ये भी तू समझ ले कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब TNT विदर पूरा आर्मी है। अगर ये SMP के बंदे अगर मेरी मदद भी नहीं करे तेरे साथ जाए तो क्या तू क्या जीत जाएगा क्या? नहीं भाई, नहीं जीत सकता तू। स्वॉर्ड पिकैक्स और ये भाई इतना खतरनाक आर्मर है, कैसे बच सकता है उसके साथ? एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये चीज जो मैं दिखाऊंगा, रुक जो एक एक मिनट रुक जो, बस इसके लिए मुझे ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा एन। अभी ये आ जाएगा मेरे डिस्प्ले पे एन, अभी मुझे 2 मिनट के लिए डिस्प्ले कैप्चर को बंद करना पड़ेगा एन। गाइस अभी देखना जो होने वाला है भाई, मैंने डिस्प्ले बंद कर दिया एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है? तो माइक पे चीखे मारना बहुत मुश्किल होता है। अबे मेरा वो किधर गया, H Pro नेदरराइट देना भाई। इसको मैंने अगर मैं इसको पूरा देखूं तो मेरा बाबा ये किधर गया? यस ओके गाइस लेट्स गो भाई, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे बेस पे एंड ये देखो भाई, ये नहीं आप ये देखो, इसके साथ ये देखो एंड इसके साथ ये भी देखो, ये भी देखो, ये देखो, ये देखो भाई एंड उसके साथ ये,
एंड ये देखो पूरी तैयारी हो चुकी है सोनक, देख ले ठीक है। मैं तेरे को ही देख के बोल रहा हूँ कैमरे में, ठीक है एक से समझ ले। तूने वार चाहता है ना? हाँ मैं भी वार चाहता हूँ, लेकिन सबके साथ फ्री फॉर ऑल चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहे कि भाई वो मतलब मुझे भी SMP चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, कैसे कोई भी ऐसा नहीं बोले। सब लोग अपने मर्जी से जी, ऐसा कोई नहीं बोले भाई मुझे SMP दे दो, ये डायमंड्स दे दो, वो दे दो। अगर मैं बोलूं कि आप उधर नहीं जाना तो मत जाओ, नहीं भाई फ्री फॉर ऑल की वार होने वाली है। तूने जो वार बनाई है ना, मैं देखता हूँ वार होता है कैसे। वार तूने शुरू की है लेकिन ख़त्म मैं करूँगा, सब कुछ है देख। मैं टोटेम ऑफ अनडाइंग, ये देख टोटेम ऑफ अनडाइंग भी मैं नहीं दूंगा भाई, मतलब टोटेम ऑफ अनडाइंग से भी मैं नहीं लड़ूंगा, फेंक दूंगा लावा में फेंक दूंगा। अपने इस मैं इस नेदरराइट का आर्मर की भी मुझे ज़रूरत नहीं है तुझे हराने के लिए, बस ये TNT लगा दूंगा पूरे सारे तरफ एंड विदर स्पॉन कर दूंगा, उसके बाद देखते क्या होता है, ठीक है। और संडे वार के लिए तू भी रेडी हो जा भाई, संडे संडे ठीक है, संडे ठीक है, संडे भाई एक चीज़, संडे संडे तो भाई संडे के दिन तो मैं मेरे घर पे जाने वाला हूँ। चलो गाइस सैटरडे नहीं तो संडे, हाँ संडे नहीं तो सैटरडे, तब तू रेडी रहना, पूरा ट्रेनिंग कर ले। गलत वाला पिटने वाला है, वो भी गलत, ऐसा गलत रैप्टा मारूंगा ना इस UG स्क्वाड से, उसके साथ ये UG बोस है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा ही चोरे बन रहे हो ना। एंड गाइस एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो बेस है ना मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ, और वो मेरी वीडियो देखता भी नहीं भाई, क्या करेगा वो मेरी वीडियो देख के क्या करेगा भाई। ये देखो देखो ये कौन सा, आपको कौन सी जगह लगती है? ओए ओए भाई, ठीक है अगर ऊपर ऐसे डू नॉट एंटर, अगर अंदर गया ना भाई गंदा वाला मारूंगा वो भी, ठीक है गाइज। ये है स्मार्टी पाई के घर के पीछे, ठीक है पीछे, तो भाई इसको सामान चेयर ले ले भाई ते, चल तू भी क्या याद रखेगा भाई, रेडी हो जा, वार तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तू तेरी बोला थैंक यू गाइज, मैंने इसको क्रिएटिव इसलिए था भाई, इसको भी थोड़े तैयार करना चाहिए ना वार के लिए, ये भी अपना नेदरराइट का आर्मर बना ले, कुछ भी हो सकता है इधर इसका ना, ये पूरी SMP तेरी। तो मैं वीडियो बना तो तभी ये ज़ॉम्बी इसका पता नहीं क्या सीन होता है गाइज। क्रिएटिव इसको भी मैंने क्रिएटिव डाल दिया, चलो हाँ ठीक है। तो इसको मैंने बोला डू नॉट एंटर ये है, बिकॉज ये समझ गया अगर वापस एंटर हुआ ना तो इसको गाइज मैं कर दूंगा बैन, बिकॉज ये जगह पे सिर्फ जाएगा सर्वर का ओनर, ठीक है सर्वर का ओनर तो मैं हूँ, उसके साथ लीडर भी मैं ही हूँ, तो मैं ही ये चीज़ लीड करूँगा। इस जगह पे सिर्फ सर्वर का लीडर ही जा सकता और कोई नहीं, मतलब लीडर तो भाई हमारे उज्ज्वल भाई है ना, तो हाँ हम ही जा सकते और कोई नहीं जा सकता। अगर कोई गया तो उसको मतलब ना, नहीं तो उसको फांसी दी जाएगी, मतलब बैन कर दिया जाएगा, नहीं तो उसको किक कर दिया जाएगा, मतलब उसको लात मार दिया जाएगा, एंड हमेशा हमेशा के लिए मतलब कम से कम 3-4 दिन के लिए उसको किक कर दिया जाएगा, ठीक है। सोनक अगर तू ऐसा मेरे इस बेस पे जाता, अगर तू मेरी वीडियो देखता है, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, तू इस बेस पे अगर गया तो इस बेस पे सिर्फ मैं जा सकता हूँ, अगर तू गया तुझे 3-4 दिन के लिए किक कर दिया जाएगा या तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, ठीक है। अगर मुझे पता लगा कि तू इधर है,
पोपट हो गया, पोपट हो गया ना गाइस, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ पोपट नहीं हुआ भाई, मुझे लगे मेरे साथ पोपट हो गया लेकिन नहीं हुआ। चलो चलो पोपट नहीं हुआ, अच्छी बात है भाई, पोपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। इतना सामान है ऐसे ही भाई, ऐसे नहीं होता ठीक है, ज़्यादा ही सामान है उधर। अगर अगर ये क्रीपर इधर फटता ना, मुझे ये तो भाई गुस्सा ही आ गया था कि भाई क्रीपर ये कैसा फटा, कैसे क्रीपर कड्डी तोड़ते भाई। ठीक है चलो चलो गाइस, ये चीज़ तो हमने कर दी, एंड अभी मुझे इसको इस तरीके से इसको हाइड कर रहे हैं, खुल रहे ना, आ गए इस काम कर रहे हैं। चलो कोई कोई बात नहीं, काम कर रहा है वही बेस्ट है भाई, वही बेस्ट है, काम करना चाहिए बस बस भाई, काम करना चाहिए। इतनी मेहनत से पूरा सब कुछ बना है, मतलब अभी मैं पूरी माइनिंग करके गन पाउडर क्रीपर को मारा, इतने सारे गन पाउडर इकट्ठे किए, एंड तू क्यों पंगा ले रहे हैं, क्या 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 होता है, क्या तुझे पागल है क्या, तू थोड़ा एरा है। अरे मुझे बताना गाइस, फायरवर्क से अगर हम इधर लगाए तो कितना डैमेज जाता है नेदरराइट पहनने वाले बंदों को, बिकॉज मुझे रेडी रहना है ना भाई। अरे कौन है, हाँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई नेदरराइट पहनने वाले बंदे से अगर कोई बंदा लड़ा, मतलब इससे फायरवर्क से, उसको कितना डैमेज जाता है फायरवर्क के साथ, बता रहा मुझे एक चीज़, बिकॉज यार मुझे नहीं पता भाई, मैंने मैंने बस ट्राई किया था एक बार, वो भी मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड पे, वो भी क्रिएटिव में, बिकॉज मेरे पास तो अभी वो नहीं है भाई, मुझे नहीं पता यार क्रॉसबो के बारे में, मुझे मैं हमको ये क्रॉसबो वॉसबो की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पूरा ये है प्रोजेक्टाइल एरो भाई, एक के बारे में कूद डालेंगे सबको, मतलब बहुत खतरनाक वाला वो है क्रॉसबो है, और हमको फायरवर्क की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारा एक ही क्रॉसबो से सबको कूट सकते हैं। देखो गाइस मैं दिखाते हुए, देखो वही देखो, ऑटो क्लिक कैसे करता है, ऐसे क्या ये ऑटो क्लिक कैसे क्या, ये देखो ऐसे क्या, जंग में अगर कोई जंग हुआ तो ऐसे देखो, देखो देखो भाई कैसे मार सकते हैं, देखो ऑटो क्लिक, देखो हाथ मेरा इधर है लेकिन ऑटोमेटिक क्लिक हो रहा है, देखो इसको कहते हैं ऑटो क्लिक, ठीक है गाइस, ये एक ये बटन, ये देखो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, मैं जितने स्पीड थोड़ा धीरे धीरे क्लिक करना पड़ेगा तभी ये काम करता है, वरना नहीं करता, बिकॉज जो ये बो होता है ना, ये बो थोड़ा मतलब नॉन पावरफुल होता है, बिकॉज भाई मैं क्रिएटिव में कर रहा हूँ ठीक है, क्रिएटिव में बिल पावरफुल ऐसे ही होता नहीं है, क्रिएटिव में ये पूरा स्टीव का एक हाथ ही काफ़ी है, मतलब क्रिएटिव में एक माइनक्राफ्ट का प्लेयर का हाथ ही काफ़ी है भाई, लेकिन सर्वाइवल में तो हाँ, सर्वाइवल में उसका पावर कुछ दुगना है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, अगर मैं इस क्रीपर को मारूँ तो इसका डैमेज कितना जाएगा देखना, डैमेज नहीं सीधा बंदा गो टू हेल, मतलब मुझे इस वो का नाम रखना चाहिए था, गो टू हेल टू, गो टू हेल टू एडिशन भाई, हाँ बिकॉज गो टू हेल अगर मैं रखता तो भाई कॉपी हो जाना उज्ज्वल सर के साथ, तो इसीलिए मुझे अच्छा रखना चाहिए, तो मैं गो टू हेल पावरफुल एडिशन कर दूंगा, हाँ हाँ ये मस्त रहेगा भाई। चलो देखते हैं भाई, अभी अगर वार हुई तो इसका मतलब समझ लो कि एसएमपी नहीं रहने वाला, एसएमपी फटने वाले, पूरे एसएमपी तबाही मचने वाले, अगर वार हुई तो भाई सारे के सारे बंदे यही बोलेंगे भाई अगर आप वार चाहते हो तो हम भी वार के लिए रेडी है, मारो भाई सबके घर फोड़ दो। तो मेरा एक प्लान है, मैं अभी मैं बता रहा हूँ, अगर वो मेरे अगर उसने तो भेजे तो वार तो शुरू की है तो ख़त्म तो मैं ही करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा कि वो बंदा बन जाएगा लीडर ठीक है, मतलब ऐसे ही एक्टिंग के लिए लीडर बन जाएगा, उसके बाद जब वो बोलेगा भाई इसको इस बंदे ये गलत किया है भाई इसको निकाल दो उसका घर फोड़ दो ऐसा ऐसा जब वो बोलेगा तब हम पूरा एसएमपी में टीएनटी लगा देंगे सबके घर पे। उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है,
यूजी बोस ऐसे आग आग के तीरे से ऐसे भाई। गिव मी ओपी प्लीज 1 मिनट, उसको मैं बोलता हूँ नो ओपी चाहिए तुझे, ऑपरेटर मैं हूँ ठीक है, उज्जवल सर है सर्वर का ऑपरेटर, उसको मैंने बोलता हूँ नो बस ज़ॉम्बी यार ये भाई ये ज़ॉम्बी परेशान कर रहे हैं यार ये भाई, मत करो भाई ऐसा भाई स्केलेटन तेरी ये चीज तो सही बोला लेकिन नो कॉल सर्वर में अभी ऐसा रूल है कि अभी कोई भी ऑपरेटर नहीं बन सकता, कोई भी सिर्फ मेरे अलावे कोई नहीं बन सकता, बस कोई नहीं, मैं ही सबका गेम मोड चेंज करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही वार खत्म करूंगा, मैं ही शुरू करूंगा ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। एंड अज्जू भाई के कैसल के अंदर मैं ही रहूंगा बिकॉज ये कैसल तो भाई अज्जू भाई तो हमारे कोई नहीं है इधर, तो अगर कोई आया तो अज्जू भाई कैसल दे देंगे भाई उनको, हमारे पास दो दो पिकैक्स है भाई ओपी, मेरे पास दो दो पिकैक्स है भाई, मतलब अज्जू भाई के पास दो दो पिकैक्स है, वही बोलना चाहते अज्जू भाई मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मतलब आपका घर आपने बहुत अच्छा बनाया भाई, बहुत तगड़ा घर है। एंड फ्लीट भाई अगर आप, मैंने आपका घर फोड़ा है लेकिन ये हीरो ब्रांड SMP नहीं है, ये हमारा SMP है, हीरो ब्रांड SMP 2 है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लीडर हूँ। एंड सॉरी मैंने आपका घर फोड़ा लेकिन हाँ भाई वार तो होनी चाहिए ठीक है, बिकॉज अगर कोई बंदा वार चाहेगा तो एंड उस बंदे ने लाइव बेइज्जती की, अगर वो बेइज्जती नहीं करता तो हाँ सब समझ जाते कि भाई छोड़ देते हैं चलो बाद में गलती हो गई चलो भाई, लेकिन भाई बेइज्जती की कुछ और बात होती है ना, तो इसीलिए चलो भाई ओपी। अभी मेरा माइक खिल गया, अबे यार ये रेल भाई तू परेशान कर ले यार तू भाई। एंड गाइस अभी थोड़ा सा और कुछ देते तो मैं लिखने वाला हूँ, सोनक ये वीडियो अगर तू देखेगा तो मैं तेरे लिए इधर एक साइन भी छोड़ के जाऊंगा, ये सब कुछ मैंने ही किया है ठीक है। तो अगर ये तू वीडियो देख रहा है तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि तूने मेरी लाइव स्ट्रीम पे, तेरे लाइव स्ट्रीम पे बेइज्जती की है, वो भी मेरी भाई, मुझे मार के वार करके उसने, मतलब लाइव बेइज्जती कैसी भी पता है गाइज, मैं मतलब मैं ऐसे ही उस, वो आज लाइव कर रहा था, मैं भी उसके साथ ऐसे ही भाई मस्त से खेल रहा था, तब उस बंदे ने बोला कि भाई मुझे SMP ना मुझे OP चाहिए ना मुझे मॉडरेटर चाहिए, मुझे आपका टावर दे दो एंड पूरा SMP दे दो। एंड उसने और एक चीज़ बोला कि भाई अगर आपने टावर नहीं दे तो मैं आपको बैन कर दूंगा, मतलब इसको ही कहते हैं ना बेइज्जती, बिकॉज बैन का कमांड मेरे पास है, मैं बैन कर सकता हूँ उसको, लेकिन उसको डर नहीं है, तो डर नहीं है तो भाई अभी क्या कर तू, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अबे ई दबा, अबे टी से खुलता है ना, कॉपी कर, नहीं कॉपी नहीं कर सकते सॉरी गाइस। भाई इस वीडियो में मैं इसके लिए, ये तेरे लिए सोना कि मैं तेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ, दम है तो पूरा रेडी हो जा वार के लिए, बिकॉज तूने वार अगर, मतलब वार अगर तूने शुरू कर ही दी है तो वार तो ख़त्म मैं ही करूँगा ठीक है, वार तो ख़त्म मैं ही करने वाला हूँ। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि तो यार तैयारी कर ले, ऐसे ही भाई हारने वाले हैं, तूने मेरे वेपन्स देख के रखे क्या, TNT विदर पूरा स्पॉन कर देंगे हर एक जगह, पूरा घर फट जाएगा ठीक है, अगर मेरा टावर मैं ही तोड़ दूँ भाई कोई टेंशन नहीं है, फुट जाएगा टावर वापस बना लूँगा मैं टावर, कोई टेंशन नहीं है। एक सेकेंड, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, हाँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टावर फट जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, SMP भी फट जाएगा मैं वापस बिल्ड कर लूँगा, लेकिन ये वार होगी ठीक है, संडे आ जाना भाई, एक चीज़ बोल रहा हूँ
रेडी रहना, ट्रेनिंग कर लेना, वार तूने शुरू किया खत्म मैं करूंगा, ठीक है। तो गाइज आज की शायद से इस माइनक्राफ्ट के एसएमपी की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भाई। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ, मतलब इस वीडियो पे मैं एम, हाँ एम रखते हैं गाइज, एम रखते। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ, सोचना पड़े, इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 50 व्यूज का। तो सभी लोग जाओ एम का गोल कंप्लीट कर दो, एंड उसके बाद एक वीडियो आएगी, मतलब हाँ मैं इसका वो पार्ट नहीं है ये, मतलब हाँ समझ लो, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो वीडियो जितनी जल्द कंप्लीट करोगे उतनी जल्द वीडियो आएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये हमारा माइनक्राफ्ट है, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। जीटीएस इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जितनी जल्द गोल कॉम्प्लीट करोगे उतनी जल्द वीडियो आएगी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है, जितनी जल्द कॉम्प्लीट करोगे उतनी देर से वीडियो आएगी। बिकॉज भाई मैं रिकॉर्ड, मैं खेलता ही नहीं हूँ माइनक्राफ्ट आजकल, मैं जीटीएस इंडिया में ज़्यादा खेलता हूँ। आपको अभी मैं दिखाऊंगा जीटीएस इंडिया की, मतलब मैं जीटीएस इंडिया ज़्यादा खेलता हूँ जब। ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता आपको नेक्स्ट और न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।